तो गाइज मैं अपने चैनल पर एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस बना रहा हूँ, अलग अलग कस्टम रोम्स आपको दिखा रहा हूँ, एंड उसमें मैं कई बार यूज करता हूँ बूटलोडर और रूटिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल। और वहां पे जब मैं आपको चीजें बताता हूँ तो आप लोग ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि रूटिंग और बूटलोडर लोग शायद से एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है, तो दोनों कैसे अलग है या फिर दोनों का क्या काम होता है। तो देखो आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे इसी चीज को लेकर के, तो फाइनली मैंने सोचा एक वीडियो प्लान करते हैं और जहां पे आपको बूटलोडर क्या है, रूटिंग क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है नहीं है और कैसे काम करते हैं। तो ये वीडियो फाइनली होने वाला है, आपके सवालों का सारा जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो होने वाला है आपके सवालों का जवाब। अब इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और बाई चांस रह जाए तो भाई पूछ लेना, बताना मेरा काम है, मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इन फ्यूचर ऐसा कॉन्टेंट पाने के लिए। एंड शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखो भाई सबसे पहले आपको बता दूं बूटलोडर और रूटिंग, तो बूटलोडर लॉक है अनलॉक है वो एक अलग चीज होगी, लेकिन बात करते हैं बूटलोडर की और रूटिंग की। तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों एक ही चीज नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं आगे दोनों चीजों का एक्सप्लेन करूंगा, दोनों क्या क्या काम करते हैं वो बताऊंगा, एंड सारी बातें सुनने के बाद आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा दोनों एक्चुअली होते क्या है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं बूटलोडर की। तो देखो जैसा आप लोग नाम से ही पता लगा सकते हो बूटलोडर, अब इसको क्या करते हैं दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, बूट अलग कर लेते हैं लोडर अलग कर लेते हैं। तो बूटलोडर से आपको समझ में आ गया होगा, अब नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताया था, जब आप अपने डिवाइस को फर्स्ट टाइम या कभी भी ऑफ से ऑन करते हो तो वहां पे क्या होता है आपके डिवाइस का जो बूट लोडर है सबसे पहले वो रन होता है, एंड उसके बाद में आपका बूट लोडर टेस्ट करता है कि आपके फोन का जो कर्नल है जो आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है, दोनों को इंस्ट्रक्शन देता है या कंट्रोल करने का काम करता है, वो रन होता है। और अगर आपके बूट लोडर को कर्नल ठीक ठाक मिल जाता है और काम करता हुआ मिल जाता है तो कर्नल के थ्रू फिर वो आपके फोन की जो रोम होती है उसको बूट कर देता है। तो आपके फोन को चालू करने का जो भी काम होता है वो सारा आपका बूट लोडर हैंडल करता है। अब बात करते हैं लॉक बूट लोडर की या फिर अनलॉक बूट लोडर की। तो देखो पहले लॉक बूट लोडर लेते हैं। लॉक बूट लोडर वो होता है जहां पे आपका जो डिवाइस है उसके साथ में जो डिफॉल्ट कर्नल आया था उस एक कर्नल के साथ ही आप अपने डिवाइस को बूट कर सकते हो, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर आप चेंजेस करना चाहते हो अपने कर्नल के साथ में तो जाहिर सी बात है बूट लोडर उसका एक तरह से ताला है, पहले आपको बूट लोडर को अनलॉक करना होगा, उसके बाद में आप अपने डिवाइस पे कोई भी कस्टम कर्नल या फिर कोई दूसरा कर्नल वगैरह आप डाल सकते हैं, एंड उसके बाद आपका जो बूट लोडर होगा वो पहले उस कर्नल तक जाएगा एंड उस कर्नल के बाद में आपके रोम तक जाएगा, फिर उसके बाद में आपका डिवाइस ऑन होगा। तो ये तो काम हो गया बूट लोडर का। अब देखो बात करते हैं कुछ समय पहले की, मतलब कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं, 5-6 साल पहले की। तो वहां पे क्या होता था आपको बूट लोडर अनलॉक करने जैसी कोई भी चीज नहीं करनी होती थी अपने डिवाइस पे, और आप अपने फोन का मतलब जो भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ऐसे ही कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हुआ करता था आपके फोन का बूट लोडर वो बाय डिफॉल्ट आपको अनलॉक मिल जाता था। एग्जांपल के लिए बात करें तो मेरे ख्याल से 2014 की बात है जब रेडमी ने अपना 1S मॉडल लॉन्च किया था, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन करता था। और सही बताऊं तो उस टाइम पे मुझे बूट लोडर क्या होता है बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं थी, एंड मैंने कभी उसको लॉक अनलॉक भी नहीं किया, सारे काम मैं ऐसे ही कर पाता था। और यही रीजन है कि आप अपने फोन को रूट कर पाते थे बिना किसी भी बूट लोडर को अनलॉक किए, किंगो रूट हो गया या फिर वन क्लिक रूट हो गया या फिर किंग रूट जैसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपका बूट लोडर तो ऑलरेडी अनलॉक है, आपको उसको अनलॉक नहीं करना, आप अपने फोन को डायरेक्टली रूट कर सकते हो। लेकिन अगर अब बात करते हैं हम प्रेजेंट टाइम की जो अभी चीजें चल रही हैं, तो देखो यहां पे सारी कंपनियां अपने फोन का ज्यादातर बूट लोडर लॉक करके रखती हैं। तो अगर आपको अपने फोन को रूट करना है तो उसके लिए आपको अपने फोन का बूट लोडर अनलॉक करना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है अपने फोन में कस्टमाइजेशंस करने का। एंड हाँ, अब जो आपकी एप्लीकेशन होती थी किंगो रूट हो गई, किंग रूट हो गई या वन क्लिक रूट जैसी कोई भी एप्लीकेशन थी जो पहले फोन को रूट करती थी आपके फोन पे, अब काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके फोन का बूट लोडर पहले से अनलॉक है तो शायद वो काम कर दे, लेकिन ज्यादातर केसेस में मैं कह सकता हूँ 80-90% चांसेस में वो काम नहीं करेगी। एंड अब देखो बात कर लेते हैं रूटिंग की। तो भाई देखो रूटिंग क्या होती है, रूटिंग जो होती है ना आपके फोन पे जो आपका करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने कोई कस्टम रोम डाला हुआ है या फिर आप स्टॉक रोम पे हो, उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, कोई मॉडिफिकेशन करने या कस्टमाइजेशन करनी है तो वहां पे रूटिंग आपके काम आएगी। रूटिंग आपके डिवाइस के जो सिस्टम पार्टीशन वगैरह होते हैं उनमें फेरबदल नहीं करती है। एंड अब देखो बात कर लेते हैं रूटिंग की, रूटिंग क्या होता है। तो देखो रूट जो है ना ये आपके फोन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एग्जाम्पल के लिए आपका कस्टम रोम भी हो सकता है या फिर आपका स्टॉक रोम भी हो सकता है, अगर उसके अंदर आपको किसी तरह के मॉडिफिकेशन चेंजेस या कस्टमाइजेशन भी आप कह सकते हो, अगर इस तरह की
चीजें आपको सिर्फ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में करने हैं तो आपके लिए रूटिंग जरूरी है। जो आपका रूटिंग मेथड है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सुपर यूजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस प्रोवाइड कर देता है, जिसकी मदद से फिर आप अपने सिस्टम की फाइल्स में भी फेरबदल कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं विंडोज की। जब विंडोज के अंदर आप कोई नई ऐप इंस्टॉल करते हो जो आपके सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह कर सके, तो वहां पे आपसे एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन मांगी जाती है, या फिर आप जब विंडोज में पहली बार बूट करते हो तो वहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सेटअप करना होता है कि बाई चांस आप अपने सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन करोगे तो वहां आपको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अब एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं विंडोज की। तो विंडोज में जब आप अपने कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम सेटअप करते हो तो वहां पे आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी बनाना होता है। इसके अलावा आप तो कोई दूसरे अकाउंट्स भी बना सकते हो। अब एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्यों होता है? अगर आप अपने सिस्टम में कोई भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और एक बार आपका कंप्यूटर चालू हो गया, वहां पे आप कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो, तो कई बार आपने देखा होगा वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस भी रिक्वायर्ड करती है उस एप्लीकेशन के लिए जो कि आपके सिस्टम में थोड़े बहुत फेरबदल वगैरह कर सके। और एक बार जब आपने अपने उस ऐप को अपने सिस्टम की परमिशंस दे दी, या फिर आप कोई भी सी ड्राइव के अंदर जाके कोई भी चीजें चेंज कर रहे हो तो वहां भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस देनी होती है। एंड इसके बाद में आप अपने सिस्टम की जो हिडन फाइल्स होती हैं या फिर सिस्टम फाइल होती है उनको एक्सेस कर सकते हो। तो बस ठीक उसी तरह की चीजें आपके एंड्रॉइड के साथ भी होती हैं। आप कुछ इस तरह की फाइल्स होती हैं जो आप नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते, आपकी रूट ड्राइव में पड़ी होती हैं। रूट परमिशन के बाद में आप उन फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हो, उनको डिलीट भी कर सकते हो, नई फाइल ऐड भी कर सकते हो और पुरानी फाइल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो देखो दोनों चीजें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं। अब थोड़ा सा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि आखिर इस सब का निचोड़ क्या निकला जो हमने बातें करी हैं। तो देखो अगर आपको अपने डिवाइस के अंदर चेंजेस करने हैं, मतलब सिस्टम लेवल पे आपको उसका कर्नल चेंज करना है, आपको उसकी रोम चेंज करनी है, आपको उसके पार्टीशन के साथ में पूरा फेर बदल करना है, तो डेफिनेटली आपको अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बिना कोई भी काम अपने डिवाइस पे आप नहीं कर सकते। बूट लोडर अनलॉक करना मस्ट है। अगर पहले से अनलॉक मिला है तो बात अच्छी है, वैसे आजकल ज्यादा केसेस में मिलता आपको नहीं है। वहीं अगर आपको चेंजेस करने हैं अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने कोई भी कस्टम रोम या स्टॉक रोम जैसे पहले मैंने कहा डाली हुई अपने डिवाइस पे, आप सिर्फ उसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आपको सिर्फ रूटिंग की जरूरत होगी। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन अब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं? जैसा मैंने आपको बताया पहले कंपनियां बूटलोडर अनलॉक दिया करती थी, अब लॉक देती हैं। तो अगर आप अपने फोन को रूट भी करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको अपने फोन का बूटलोडर अनलॉक करना होगा। अनलॉक किए बिना आप अपने फोन को रूट नहीं कर पाओगे, एंड अगर रूट ही नहीं कर पाओगे तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कई केसेस में बूटलोडर को अनलॉक करना मैंडेटरी हो जाता है एंड आज के फोन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस दोस्तों यही था आपका बूटलोडर क्या काम करता है, रूटिंग क्या काम करती है, कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को अभी के लिए लाइक करना, शेयर करना। अभी भी मन में कोई सवाल सुझाव कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना मत भूलना। एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना इन फ्यूचर भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले वीडियोस में, तब तक गुड बाय।